अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे कि अर्ली एजेस में बच्चों में किस तरीके से मोरल वैल्यूज पैदा की जा सकती हैं। हम ये बात जानते हैं कि बच्चों में तालीम के साथ साथ उनकी तरबियत साजी बहुत ज़रूरी है। सबक आमोज कहानियाँ, उनमें मौजूद दिलचस्प किरदार बच्चों में बहुत मज़े से और दिलचस्प अंदाज में मोरल वैल्यूज पैदा कर सकते हैं, उनकी किरदार साजी कर सकते हैं। आइए देखते हैं कि ईस्ट बटरफ्लाई एंड फ्रेंड्स लेबस में किस तरीके से मज़ेदार और दिलचस्प कहानियों के ज़रिए बच्चों में मोरल वैल्यूज़ पैदा की जा रही हैं। सबसे पहले हम देखते हैं प्री ईयर वन उर्दू में मौजूद है मुँह की कहानी। मुँह की कहानी में मौजूद है नताशा और नौमान, जो के बता रहे हैं कि भाई हर चीज़ खाने से पहले उन्हें अच्छे से धो लेना चाहिए। तो इसमें बच्चे को बड़े मज़े से पता चलता है कि हमने सफाई का ख्याल रखना है, क्योंकि सफाई है निस्फ ईमान। अगर हम सफाई का ख्याल नहीं रखेंगे तो किस तरीके से बीमार पड़ जाएंगे। आगे देखते हैं प्रीयर वन में ही मौजूद है च की कहानी, जिसमें चुन्नी और चुन्नू बड़े मज़े के किरदार हैं, जो के बता रहे हैं कि भाई अपने दोस्तों का ख्याल रखना चाहिए। इसी के साथ साथ हम देखते हैं प्रीयर वन में ही मौजूद है ए की कहानी, जिसमें कहा जा रहा है अहमद है, बिल्लू है, जेबरा है, और उसमें बच्चों को ये बात बताई जा रही है कि जब आप गलती पे हो तो आपने अपनी गलती को मान लेना चाहिए और सॉरी बोल लेना चाहिए, माफ़ी मान लेनी चाहिए, बहुत अच्छी बात होती है। इसी के साथ साथ प्री ईयर वन इंग्लिश में मौजूद है ज़िस की स्टोरी। ज़िस की स्टोरी में मौजूद हैं अहमद और ज़ेब्रा, और जिसमें बड़े मज़े से बताया जा रहा है कि अहमद किस तरीके से ज़ेब्रा की हेल्प करते हैं, और बच्चों को पता चलता है कि हमें आपस में एक दूसरे का ख्याल रखना चाहिए और उनकी मदद करनी चाहिए। इसी के साथ साथ प्रीयर वन में मौजूद अ की स्टोरी, जिसमें है आंट मौजूद, जो कि किसी मुश्किल में फंस जाती हैं और बटरफ्लाई आके उनकी हेल्प करती हैं, और इस मुश्किल वक्त में उनको हेल्प करती हैं, जिससे पता चलता है, बच्चों को पता चलता है ये बात कि हमें अपनी दोस्तों के मुश्किल वक्त में हेल्प करनी चाहिए। अगर वो किसी प्रॉब्लम में हैं तो हमें ज़रूरी नहीं है कि वो आपसे कुछ पूछें, बल्कि आपको उनकी खुद जाके हेल्प करें, उनका ख्याल करें। इसी तरीके से हमारे पास मौजूद है प्रीयर टू उर्दू में जंगल की सैर। बड़े मज़े का समा है इसमें जंगल का, और इसमें दो दोस्त निकल रहे हैं, घूम रहे हैं, और जब वो फंस जाते हैं मुश्किल में तो किस तरीके से जुगनू उनकी मदद करता है, और पता चलता है कि हैं लोग वही जहां में अच्छे आते हैं जो काम दूसरों के। प्रीयर टू उर्दू भाषा का घोड़ा, जिसमें बताया जा रहा है कि भाई ड्राइवर है जो बहुत तेज़ गाड़ी चला रहा है, और उसको कहा जाता है कि भाई आपने रोड पे गाड़ी हल्के चलानी है, देख के चलानी है, सब की चीज़ों को देखना है, हर जगह जो है तेज़ी से नहीं भागना है, ख्याल रखना है, ट्रैफिक के उसूलों की पाबंदी करनी है। इसी के साथ साथ प्रीयर टू में मौजूद है सारा और गाजी। सारा और गाजी के अंदर कि किस तरीके से जो है वो सारा और गाजी दो बड़े मज़ेदार किरदार मौजूद है, इसमें बताया जा रहा है कि ना सिर्फ हमें अपने दोस्तों की मदद करनी चाहिए बल्कि हमें जानवरों का भी ख्याल रखना चाहिए। इसी तरीके से प्रीयर टू इंग्लिश में मौजूद है ब्रेकफास्ट टाइम की स्टोरी, जिसमें छोटे बच्चों को इस बात की निशानदेही की गई है, इस बात की इम्पोर्टेंस दिलाई गई है कि नाश्ता करना कितना ज़रूरी है, कितना हेल्दी होता है, हमें जंक फूड अवॉइड करने चाहिए और सुबह अच्छे से पेट भर के नाश्ता करना चाहिए। इसी तरीके से मौजूद है प्रीयर टू इंग्लिश में मेलन पार्टी, और मेलन पार्टी में बताया जा रहा है बहुत ही मज़ेदार इंटरेस्टिंग सी ये स्टोरी मौजूद है, जिसमें बताया जा रहा है कि दोस्त अगर चले जाते हैं और उनको आपने याद रखना है तो कैसे आप छोटे छोटे से गिफ्ट्स उनको दे सकते हैं, कि छोटे छोटे गिफ्ट्स जो होते हैं वो आपस में मोहब्बत बढ़ाते हैं। और इसके साथ साथ हम आगे देखते हैं प्रीयर टू मैथ्स में मौजूद है मॉर्निंग आफ्टरनून नाइट और इवनिंग से मुतालिक बहुत ही मज़ेदार स्टोरीज, जिसमें बच्चा बहुत आसानी से सीखता है टाइम मैनेजमेंट, कि हमने दिन को किस तरीके से डिवाइड करना है, कौन से दिन के पोर्शन में हमने क्या काम करना है, और कैसे अपनी ज़िंदगी को तरतीब में लाना है, कैसे हर काम को वक्त पे करना है। इसी के साथ साथ प्रीयर थ्री मैथ में मौजूद है सेट एंड सॉर्टिंग की स्टोरी,
जिसमें ये बताया जा रहा है बच्चा सीखता है कि हमने अपनी चीज़ों को किस तरीके से संभाल के रखना है, उनकी कैसे सॉर्टिंग करनी है। अगर हम चीज़ों को संभाल के रखेंगे तो हमारे लिए कितनी आसानी हो जाती है। इसी तरीके से मौजूद है प्री ईयर 3 फोनेमिक राइम के अंदर एन एंड एड की स्टोरी, जिसमें है मामा बेयर, बेबी बेयर, और मामा बेयर जो है किस तरीके से ख्याल करती है एक छोटी सी हैन का, जिसमें हमें पता चलता है कि ना सिर्फ हमें अपने घर वालों का ख्याल रखना चाहिए बल्कि अगर कोई बाहर हमारे नेबर्स में है, पड़ोसी हैं, तो उनका भी ख्याल रखना चाहिए। हमने देखा कि कितनी आसानी से, कितने मज़े से बटरफ्लाई एंड फ्रेंड सीरीज़ में कहानियों के ज़रिए बच्चों में मोरल वैल्यूज़ पैदा की जा रही हैं। अगर आपने इन कहानियों के बारे में मज़ीद डिटेल्स देखनी है, मज़ीद पढ़ना है, मज़ीद जानना है, तो हमारी वेबसाइट विज़िट कीजिए ease.education। थैंक यू सो मच।